हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आज का सब्जेक्ट? अच्छा है। देखा आप लोगों ने, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट राइट। ओके, तो पहले हम इसे ड्राइंग करना सीखेंगे, उसके बाद कलर करना, ठीक है? मजा आएगा ना? नहीं आएगा? ओके, ये कौन बनाया? शताक्षी। यस ओके, ये जो है बाहर का, ये जो लाइन है ना छत का, थोड़ा सा बाहर रखना, और ये घर का लाइन थोड़ा अंदर তুমি रखना। আমাকে এই নাম্বারটা অ্যাড করে দাও তো। ওই যে আরেকটা যেটা নাম্বার আছে না, ওই যে ঐশানী ফোন নাম্বার, এইটা গ্রুপে অ্যাড করে দাও। ওই যে অনুত্তম, আচ্ছা, স্যার অনুত্তমা ট্যাবে ওই যে ফোন নাম্বার যেটা আছে না, করে দিয়েছি, করে দিয়েছি। ও, করে দিয়েছি। ওকে ওকে, ডান। সতাক্ষী, দিখ রা হ্যায় ক্যা? মে কুছ দিখা রা হুঁ? ইয়ে আপকা ইয়ে হ্যায় পেন্টিং, আপকা হ্যায় না? ওকে, দেখো অভি ক্যা হ্যায়, দো চিজ হ্যায়। ইসকে ইসকে সাথ ইসকা না, মতলব ডিফারেন্ট নেই হোগা, জেসে ইয়ে চল রা হ্যায় ভেসে ইয়ে চলেগা, মতলব দোনো প্যারালাল জেসে চলেগা। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऐसा चल रहा है लाइन, और आपका ये ऐसा चल रहा है, सॉरी, ये यहां से ऐसा चल रहा है, ठीक है? तो दोनों का कनेक्शन नहीं हो रहा है। या तो आप इसके जैसा जैसा ये कर दो, या इसके जैसा ऐसा कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जैसे करो, ओके, जैसे ये लाइंस है, तो आपको यहां से ऐसा ही लाइंस लगाना है घर का, मतलब तिरछी लाइन है ऐसे ही, फिर ये जुड़ना है, और फिर ये घर का जो लाइन है अंदर रहेगा, थोड़ा ये थोड़ा सा और सीधा हो जाएगा लाइन, ठीक है? थोड़ा तिरछा हो गया। बाकी जो आपने काम किया बहुत ही खूबसूरत किया, गुड, वेरी नाइस। ओके अनुरुद्ध, अनुरुद्ध ये अच्छा किया, ये अच्छा, बैकग्राउंड भी अच्छा है, ये जो डार्क है ना इतना जरूरत नहीं था, ठीक है? इसके लिए अल्टरनेट के साथ बंस, अल्टरनेट के साथ बंसी है ना, दोनों को मिला के वही लगाना है। ओके सर। और ये सब्जेक्ट थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या? इतना आवाज क्यों, क्या आ रहा है, टेबल फैन लगाया क्या? नहीं सर, बहुत डिस्टर्बिंग आवाज आ रहा है। तो ईयरफोन खोल दो, ईयरफोन खोल के सुनाई दे रहा है कि नहीं? देखो, आप ऑन करो, ऑन करो अभी। अनुरुद्ध, अनम्यूट करो। हाँ सर। हाँ, अभी ठीक है? वो ईयरफोन में कुछ लूज कांटेक्ट है, जिसकी वजह से खराब लग हो रहा है आवाज। ओके सर। तो ये जो है ये डार्क नहीं होगा इतना, ठीक है? ओके सर। इसमें ये है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है? और इसके अंदर अच्छी तरह वीडियो को फॉलो करना है, बहुत ज्यादा येलो बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं, थोड़ा थोड़ा कम रखना है, ठीक है?
घर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता। ये अच्छा ड्राइंग किया है ऐसा नहीं, बट ये जो है इसके साथ सेट नहीं हो रहा है, बाहर से लग रहा है, बाहर हो गया वो। माया मैम आ गया क्या? आ गई सर। ओके साई गुड वेरी नाइस। अच्छा है, अच्छा काम कर रहे ना बच्चे, देखो द वेरी गुड सर। हाँ ओके, तो हम आज हम सीखेंगे कि बर्ड्स को कैसे पेंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है बर्ड्स, आप लोगों को शेयर किया पहले ही, तो ऐसा ही करूंगा जो भी। ये क्या है, ओशन अभी भेज रहा है, चलो गुड, ये अच्छा किया। थोड़ा और यहाँ पे और डार्क दे सकते थे ओशन, हल्का सा, और ये जैसे एक सिंगल कलर हो गया ना पेड़ में, राइट में भी थोड़ा डार्क आ सकता है। गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ, प्रैक्टिस करने से ही अच्छा हो सकता है। अच्छा ये कलर किया, गुड, कितना पेंटिंग करता है, वेरी नाइस ऐसा नहीं, गुड। ये तो देखा था पिछली बार, फिर से भेज दिया। हाँ ये भी अच्छा है, देखो कितना कुछ वो सोचती है और सब पेंट करती है, गुड वेरी नाइस ऐसा नहीं। अभी हम क्या करेंगे आज जो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके तो अभी एक सेकेंड, आज हम ड्राइंग करेंगे एक बर्ड्स की, तो पहले बर्ड्स की ड्राइंग सीखेंगे, उसके बाद हम उसे कलर करेंगे। ओके म्यूट कर लो जिनका आवाज आ रहा है। तो इसका जो ड्राइंग को पहले हम समझते हैं कि कैसा ड्राइंग है, ठीक है। तो ओके गुड, तो हम पहले इसे ड्राइंग को जानेंगे कि कैसा है इसका ड्राइंग। हर सब्जेक्ट में क्या होता है कि कुछ सेफ होता है, उसका एक बनावटी होता है ओवरऑल, है ना, एक बनावटी। इसमें देखो एक अंडा सा दिख रहा है ना, ये अंडे से ही निकलता है और अंडे जैसे दिख रहा है, देखो अंडा सा है ना। तो कैसा दिख रहा है, एक ऊपर का एक लाइन दिख रहा है जैसे पीठ का लाइन ऐसा, उसके साथ में एक क्या है, बड़ा सा अंडा है यहाँ पे, ये अंडा देखा, ठीक है। सभी को दिख रहा है मेरा पेपर? यस सर। एक सेकंड में जरा इसे कलर सेटिंग करता हूं थोड़ा सा। ओके ये ठीक है, तो म्यूट कर लो, ठक ठक टुका रहा है। साई म्यूट करो। इसके बीच में जो भी है कुछ आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और वो ग्रुप में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस बर्ड्स को, बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, बर्ड्स को कैसे ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको कलर भी करेंगे बढ़िया सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पेपर पे जस्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर एक आपको ओवरऑल शेप दिखता है, जैसे कि यहाँ पे एक अंडा दिख रहा है
और यहाँ पे देखो एक राउंड दिख रहा है, कहाँ पे एक राउंड दिख रहा है, इस एरिया में एक राउंड दिख रहा है। तो अंडा प्लस एक राउंड, राउंड कहाँ पे है, ठीक इसके ऊपर है राउंड, ठीक है। और एक क्या होता है कि ये जैसे ये लाइन नीचे जाता है कुछ इस तरह से चला जाता है ये लाइन उसके पूंछ के लिए, और इससे थोड़ा सा नीचे ऐसा करके इसके पंख जो नीचे वाला ऐसा हमको दिख रहा है वो नीचे का पंख निकल जाता है ऐसा। तो कितना आसान हो जाता है कुछ इस तरह से अगर हम सोचते हैं सब्जेक्ट को। और यहाँ पे जो ये जो स्पेस है यहाँ ये जो है एकदम ज्वाइंट हो जाता है गर्दन के साथ, और फिर यहां से एक उसके चोंच निकल जाता है, तो फिर हमारा बन जाता है बर्ड्स। और फिर देखना है कि उसकी लेग्स कहाँ पे, हम बहुत गड़बड़ करते हैं लेग्स कहाँ पे है। तो देखो ये जो पेट आ रहा है नीचे यहाँ पे उसका जो जॉइंट्स है, और फिर यहीं से उसके जो डायरेक्शन निकलता है ऐसा। वो पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, लैंडस्केप में, लैंडस्केप भी कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए जस्ट एक पेपर लिया नॉर्मल और आपको दिखा रहा हूं तो किस तरह से ड्राइंग करना है। कितना फिंगर होते हैं बर्ड्स के, किसको मालूम? सर थ्री, थ्री फिंगर होते हैं या फोर, या फोर याद करो सर, फोर, हाँ टोटल फोर, ठीक है। और देखो ये कटिंग किधर है, इधर है, उल्टा मत दो, इधर मत दे देना, तो ये इधर है कटिंग। तो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, ड्राइंग को करना है। तो पहले क्या किया था हमने, एक अंडा बनाया उसके अंदर डिटेल्स को किया, ठीक है। अभी हम जो पेपर में ड्राइंग करेंगे जिसपे कलर करेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है, यहाँ पे रख देता हूँ ये आपको याद रहने के लिए। चलो और एक बार ड्राइंग देखो आप, ठीक है। तो ये पेपर को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। तो क्या करूंगा मैं, वही तरीके से ही मैं ड्राइंग करूंगा, मैं अलग से नहीं करूंगा। जैसे कि एक अंडा बनाना है खूबसूरत सा, अंडा का जो ये पीठ का लाइन है यहां से ऐसे उठ जाता ऊपर की ओर, और जैसे कि मैं बताए इस एरिया में एक उसको राउंड बनाना है। तो पहले एक अंडा बनाओ फिर एक राउंड बनाओ, साथ साथ बनाओ, अभी शुरू करो, ठीक है। शुरू कर दिया, शुरू किया किसी ने, तो कर दो अभी। यस सर। तो एक देखो नीचे अंडा दिख रहा है, ये अंडा हल्का सा बनाना, अंडा अंडा क्या हमारे रेफरेंस है उसको बनाने के लिए, ये राउंड भी हम रेफरेंस है, बट ये जो आउटलाइन आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये ऊपर का वो जो हेड बनता है यहाँ पे ऐसा करके जाएगा, और फिर ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को हमको मिलाना है ऐसा, ऐसा मिला देना है, ठीक है। तो एक अंडा है एक राउंड है, दोनों अंडे के ऊपर राउंड को रखना है और दोनों को ऐसे मिलाना है। उसके बाद क्या करना है कि ये इधर ऊपर चला जाता है ये लाइंस, ठीक है, और फिर ये इस तरह से बन के और एक लाइन नीचे आता है, और नीचे क्या आता है यहाँ पे पतला होता है लाइंस, यहाँ पे क्या तो बाहर चौड़ा होता है नीचे आके पतला हो जाता है, पतला होके फिर इसी अंडे के साथ ऐसे जोड़ दो, सिंपल इसी अंडे के साथ जोड़ दो, ठीक है माया मैम, ठीक है ना सर? प्लीज दो मिनट रुक जाओ, रुक जाओ इधर ही, मैं अभी पेपर लिख आई, हाँ कीजिए, तो साथ साथ करेंगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करेगा, कोई कलर नहीं करेगा जब तक मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो उल्टा उल्टा कलर करके फिर बैठ जाते हैं, फिर उसको ठीक नहीं कर पाते, ठीक है ना ईशानी? कितना हो गया? नहीं सर, कब होगा, कब होगा, कब होगा, इसका नहीं हुआ साई का, ओके घर की पेंसिल लाइन बहुत हल्का दिख रहा है,
कैसे देखे? हाँ अब दिखा थोड़ा, ओके ठीक है, गुड, अच्छा हो रहा है, वेरी नाइस, ठीक है, बनावटी अच्छा है। तो ये जो अंडा बन रहा था, अंडे के मुंह के साथ, अंडे के नीचे के लाइन के साथ पूंछ, टेल उसका जोड़ दो, पेपर को घुमाओ मत, सतर्क से पेपर सीधा रहेगा। मैंने घुमाया क्या? पेपर नहीं घुमाना, पेंसिल घुमेगा, हाथ घुमेगा, पेपर बिल्कुल नहीं घुमेगा। ओके चलो, अभी तो मुझे करना ही पड़ेगा, अभी नहीं रुक सकते। इसके बाद हमें क्या देखना है कि उसकी आंखें कहां पे आता है, और पंख और उसके लेग्स, है ना। तो जैसे आंखों के लिए क्या है कि आप देखो यहां से थोड़ा सा हेड छोड़ के और इस एरिया में उसकी आंखें आ रहा है, ऊपर से थोड़ा हेड छोड़ते हुए इस एरिया में आंखें आता है, और यहाँ पे कुछ लाइन में ड्रॉ करूंगा जिससे उसके ब्राउन कलर है ना वो अलग से दिखने, ब्राउन कलर के लिए ये हमने ड्रॉ करना है ऐसा कुछ, उसके ब्राउन कलर यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा, और फिर इसी ये जो कट हमने दिया है इसके होंठों का उसका कट है, बड़ा प्यारा सा बर्ड्स है, प्यारा सा उसके होंठ है, तो वैसे ही हम बनाते हैं। नीचे वाला डार्क आएगा, थोड़ा सा शेडिंग भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो एकदम आगे जाके तीखा कर दो थोड़ा, तो इस वाला एरिया ये जो लाइन आ रहा है ये जो है डार्क होएगा, ये वाला एरिया सब डार्क कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर आएगा, और ये ब्लैक कलर के साथ थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कुछ, जैसे मैप बनाते ना वैसे ही कर दिया हमने, क्या कहां कहां कैसे कैसे कलर होगा। तो अभी क्या है, जैसे ये हेड के नीचे इतना छोड़ के किया, ये जो पीठ के बाद थोड़ा सा एरिया छोड़ो, यहां से छोड़ के ऐसा नीचे एक स्लोप बनाओ, स्लोप, और फिर ये जो लाइंस है ऐसे जाएगा और इधर नीचे उतर के फिर इसके साथ ऐसे पंख बन जाएगा। ओके ये पंख को कैसे बनाना है, यहाँ पे ऐसे डिजाइन डालना है जैसे मछली के ऊपर हम डिजाइन डालते हैं, ओके तो ये सब होने के बाद हमको ध्यान रखना है कलर करते समय पेज के नीचे वाला हिस्सा डार्क कलर आएगा। ओके अच्छा, तो लेग्स के लिए थोड़ा सा ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे उसके घुटना है, घुटना उसके डायरेक्शन देखना है कि कैसा है, तो पहला जो लेग्स है इस तरह से है, उसके डायरेक्शन थोड़ा सा घुटना बनाया हमने, उसके बाद ये इस तरह से, और जो सामने का जो फिंगर है हमको तीन फिंगर बनाना है, फिंगर के बाद नाखून भी आता है, तो जो भी हम काम करेंगे एकदम प्रॉपर काम करेंगे, है ना, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं। तो क्लियर दिख रहा है ना कैसा उसके लेग्स बनाना है। अच्छा यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ो, बिल्कुल देखा जाए तो सेंटर से ये आ रहा है, तो वही एक नी बना दो पहले उसके, छोटा सा है तो क्या है, बनाना तो पड़ेगा ना। अभी ये जैसे सीधा है ये थोड़ा सा इधर को जा रहा है, तिरछा एकदम स्टाइल में खड़े है, ठीक है, ये साइड में गया और यहां से मेरा लीड खत्म हो गया,
और ये मैं लीड निकल रहा हूँ नहीं आ रहा है, पूरा ही खत्म हो गया क्या? अच्छा, नया लीड डालो। नया लीड डालना पड़ेगा क्या? ओ कितना पेंटिंग किया मैंने, खत्म कर दिया पूरा। मैंने 10 भरा था, 10 पूरा खत्म कर दिया। देखो आप लोग नहीं करते इतना ना, नहीं करते ना। अच्छा ही हुआ लीड खत्म हो गया ना, तब तक आप ड्राइंग कर लो। अच्छा ही हुआ लीड खत्म हो गया, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। ये लीड कहाँ रखा मैंने, ओके फिर से रेडी हो गया। अभी क्या करना है कि ये साइड में गया है और ये इस तरह से डाउन जाएगा और ये इस तरह से मुड़ के पीछे वाला फिंगर ऐसे बनेगा। तो इतना ड्राइंग है, ड्राइंग में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर बर्ड किस पे खड़ा है? ऐसे ही कुछ लकड़ी के ऊपर है, सूखा वाला फट्टा है उसके ऊपर खड़ा है। आप हल्का सा सीधा कुछ एरिया बना सकते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा कुछ बना देते ताकि आपके वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। जमीन हो सकता है, दीवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर खड़ा है। मतलब कोई पेड़ नहीं है, पेड़ के ऊपर होगा तो फिंगर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये जैसे कुछ फट्टा लकड़ी कुछ ऐसा कुछ भी हो उसके ऊपर ये खड़ा है। ठीक है, ओके तो ड्राइंग हो गया तो बताना, फिर मैं कलर शुरू करूंगा। ठीक है सर, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, क्यों, क्या हो गया? अकबर लिफ्ट करके फिर घुसो, एक बार निकल के फिर घुसो। मैं देख रहा हूँ। ओके जो है उसके जो पूंछ है ज्यादा बड़ा कर दिया ऊपर। शतक्षी क्या हो गया कि उसका जो टेल है पीछे का ज्यादा हेवी हो गया? थोड़ा सा ऊपर से छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा पतला कर सकते हैं। ओके ओईशानी, ओईशानी का देखो पूंछ छोटा हो गया है ना, क्योंकि पेपर में जाएगा नहीं है ऐसा। सर मेरा बन गया ये देखो। हाँ साई, अभी भी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। गर्गी ऑन नहीं हो रहा वीडियो, वीडियो ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? वीडियो इधर बोल रहा है कि अनेबल टू कनेक्ट टू वीडियो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क थोड़ा कम है। देखो आप किससे देख रहे हो गर्गी?
सर क्या आप किससे चला रहे हो, मतलब इंटरनेट कौन सा है? वाईफाई है तो उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और कोई डिवाइस है घर में, फोन है और किसी का? नहीं सर, मेरा मम्मी पापा निकले हैं कहीं। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया, रीजॉइन करो फिर हो सकता है। रीजॉइन किया उन्होंने, वीडियो ऑन नहीं होगा कहीं। अच्छा, मेरा वाला नहीं दिख रहा है आपको बिल्कुल ही ना, ऑन ही नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया सडनली। वीडियो ऑप्शन है, आ रहा है वहां पे? देखो सर मतलब ओके साई, पहले मैं साई का देखता हूँ। ईशानी थोड़ा सा पूंछ लंबा कर दिया? हाँ। तुमने ये जो बॉडी है काफी बड़ा कर दिया साई। ये जो इसका जो लिप्स है, इसका जो चोंच है, एकदम तीखा बनाओ इधर, एकदम बढ़िया सा। सर अभी ठीक है? ओके सर। हाँ आप थोड़ा सा ठीक है सर, एक बार मेरा वीडियो सतक्षी वीडियो ऑन। हाँ सतक्षी और छोटा करो ना थोड़ा, वहां पे हाथ रखो, मैं बताता हूँ कितना छोटा करना है। हाँ नीचे करो और थोड़ा छोटा, और छोटा, हाँ इतना करना है ठीक है। और इसके यहाँ पे भी थोड़ा सा कम करना है, पतला करना ही है। सर वो पतला नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा पता है? ये अंडा थोड़ा सा ऐसे लंबा हो गया। ठीक है चलेगा वो। हाँ ये ठीक है साइज, ठीक है ओके। एक सेकेंड सर, ठीक है अब? हाँ अब ठीक है। हाँ हेड थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए बॉडी के सबसे। माय मैम देख रहे हैं? माय मैम थोड़ा बड़ा करो, हेड थोड़ा सा बड़ा होगा ये, जहां से मैं लाइन लगाया ना। और इसका जो चोंच का जो डायरेक्शन इधर को बनाना, ऐसे ऊपर वाला लाइन, समझे? हाँ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे। सर अभी ठीक है क्या मेरा? एक सेकंड रुको बेटा। ओके तो और क्या, ये जो है ये यहाँ पे लेके आइए, जैसे यहाँ पे लेके आएंगे ये वाला एरिया पतला भी हो जाएगा और फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। माय मैम ओके? यस सर। हाँ तो इतना भी नहीं, मतलब एक सेकंड रुको ना, ये इतना होगा, हेड थोड़ा बड़ा होगा, बाकी ठीक है। ये जो है नीचे की ओर जाएगा ऐसा। हाँ कर लिया। की ओर जाते ये तिकोन जैसे ऐसे बनेगा। ताई ये देखो कैसे तिकोन बनता है, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हाँ सर मेरा ठीक है क्या? हाँ और उसके ऊपर सीधा लाइन नहीं है, ऊपर क्या करो ऐसे ऐसे करो, वो पेटल्स की जैसे बनाओ, फ्लावर्स के पेटल्स। ईशानी तुमने ये जो बॉडी है काफी बड़ा करने के बावजूद बड़ा कर दिया ना, जिसके वजह से वो पूंछ आ नहीं रहा वहां पे, तो ठीक है अभी तो चलेगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। आप पेपर में बॉडी को कितना बना रहे हो फिर उसके ऊपर वो रखना है, ये ध्यान रखना है। अनुरुद्ध गुड नाइस, अच्छा ड्रॉइंग है, ये वाला ज्यादा गोल गोल सा लग रहा है, चलेगा फिर भी ओके। चलो अभी कलर शुरू करते, बहुत टाइम हो गया, चलो 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 फटाफट 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 कलर। तो ये पेपर है, चित्रपट है, और जो कलर है सुपरविजन का कुछ कलर है, सारे सुपरविजन का ही है। आपके पास जो भी कलर है कैमल का जो भी है वो चलेगा, बस कलर को फॉलो करना है, कलर को लगाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड के लिए कुछ कलर मैं लेता हूं, कौन कौन सा कलर, जैसे कि एक बंसियाना अल्टामेनी, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है थोड़ा ग्रे बनाऊंगा मेरे सब्जेक्ट को निखारने के लिए, समझ में आ रहा है? अल्टामेरिन ले लिया थोड़ा, थोड़ा सा बंसियाना
थोड़ा सा सैब्रीन सर कलर कंफ्यूजन डायरेक्ट ग्रे कलर कौन सा है तुम्हारे पास सर? ऐसा ग्रे दिख रहा है जैसे मैं बना रहा हूँ? हाँ तो है तो लगा दो, बताता हूँ कैसे लगाना। ये देखो क्या करो, क्या क्या कलर लो, ब्लू लो, ब्लू लो, रेड, ग्रीन मिक्स करो, ग्रे टोन बन जाएगा। जिनको कंफ्यूजन आ रहा है ठीक है, तो यहाँ पे बात कैसे लगाना है, सबसे मेन बात क्या रहेगा, कलर को आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे ऑरेंज भी ले सकते हैं, बंसियाना भी ले सकते हैं, मतलब तीनों कलर को हम मिक्स करने से एक फालतू के कलर बनता है, वो ग्रे टोन है ना। ठीक है, रेड भी मिला दिया, ग्रीन भी मिला दिया, सब कुछ मिलाने के बाद एक ग्रे टोन बन गया। ठीक है ओके, तभी इसको लगाना कैसे कि मैं क्या करूंगा, पेपर को गीला करूंगा, आप भी करेंगे ठीक है। पेपर को क्या करेंगे, गीला करेंगे। गीला करते समय क्या ध्यान में रखना मालूम, कौन बताएगा क्या ध्यान में रखना है गीला करते समय? कि पानी साफ हो और ज्यादा बहुत ज्यादा गीला ना हो। नहीं, पानी बर्ड्स के ऊपर ना आए, क्या ध्यान रखना है? जो पानी लगा रहा हूं वो बर्ड्स के ऊपर ना आए, याद रहेगा? गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग, सताक्षी का ड्राइंग ठीक है? अभी रुकिए जरा, अभी रुक जाइए, अभी तक तो देख रहा था। देखो अभी क्या कर रहा हूँ कि ये गीला कर रहा हूँ, गीला कैसे करना है कि बर्ड्स के ऊपर जरा भी पानी नहीं आएगा, बर्ड्स के ऊपर पानी नहीं आएगा, उसके चारों तरफ जो है पानी होएगा। सतासी का वो पूंछ छोटा कर दिया ना, टेल बस ठीक है, जितना उंगली रखा था उतना है ना। अभी वो बर्ड्स के यहाँ पे जो वो ऐसे पेटल्स बना दो, फ्लावर जैसे पेटल्स बना दिया बस ठीक है, सीधा लाइन लगाया था ना वो पेटल्स बनेगा। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ वाटर के जरिए मैं गीला कर रहा हूँ, बट गीला करते समय क्या ध्यान रखना है बोलो? ये एजेस का ध्यान रखना और वाटर बर्ड के अंदर नीचे। एजेस का कैसे अभी ध्यान रखें? अभी एक ही ध्यान रखना है बस, हमें बर्ड्स के ऊपर नहीं आएगा कोई पानी, जैसे ही मैं कलर डालूंगा बर्ड्स के ऊपर आ जाएगा, और मैं बर्ड्स को बिल्कुल सेपरेट करके कलर करूंगा। तो जैसे मैंने गीला किया और यहाँ पे ग्रे कलर बनाया, उसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अभी लगाता हूँ। अभी क्या लगाने से क्या होगा, वो बढ़िया सा स्प्रेड होता है, इधर उधर भागता है और वो सॉफ्ट होता है। इसका कारण क्या है कि सॉफ्ट होने के लिए। अभी जैसे ही मैं ब्रश के जरिए ले जाऊंगा वो हार्ड नहीं होगा। सर मेरे पास पेनस ग्रे है, चलेगा क्या वो? कौन सा ग्रे? पेनस ग्रे। अच्छा, पेनस ग्रे को थोड़ा सा बंसिया ना लो उसके साथ, वो तो अच्छा ग्रे है। उसके साथ क्या लो? बंसियाना। हाँ थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा, या अल्टामरीन के साथ भी बंसियाना यूज करने से भी ग्रे टोन आ जाएगा। तो यहाँ पे गलती से भी गलती नहीं करना कि बर्ड्स के ऊपर कलर नहीं आने देना। आपके बाएं हाथ में टिश्यू पेपर होगा, अगर गलती से आता है तो उसको रोकने के लिए। अच्छा ये वाला जो है थोड़ा सा उड़ेन के लिए, थोड़ा सा बंसियाना ज्यादा लगा लूंगा उसी ग्रे के साथ, थोड़ा बंसियाना ऐड करता हूं।
यहां तक क्लियर है? हाँ सताक्षी, ठीक है? यस सर। गुड, ठीक है, अच्छा है। तो मोटा ब्रश नहीं है क्या सर? है, पर मैंने वर्ड किया जिस पे पानी लगा रही हूँ जिससे वो जाए नहीं उसके अंदर। ओके, और कोई किसी को कुछ दिखाना है क्या? ये समझ में आ गया क्या करना है? जो ग्रे टोन आप बनाना है, ब्लू लेना है, थोड़ा बंसियाना लेना है। ब्लू में अल्टामिनिन और बंसियाना लेना है, दोनों मिक्स करने से ग्रीन हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। आप ब्लू के साथ ऑरेंज भी मिलाने से ग्रे टोन बन जाएगा। आपके पेंस ग्रे के साथ भी बंसियाना मिलाएंगे तो भी ग्रे टोन बनेगा। तो ऐसे करके ऑपोजिट कलर मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, इनको मिला दो, ग्रे टोन बन जाएगा। अभी चाहिए किस तरफ वो करना है। जैसा हमें ग्रीन टाइप का चाहिए तो ग्रीन ज्यादा करना है। ग्रीन ज्यादा करने के लिए क्या है, ब्लू और बंसियाना ज्यादा चाहिए। कलर को देखो और पैलेट में मिक्स करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉपिंग करूंगा। ड्रॉपिंग करने से क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग होता है। ये बुलबुला बुलबुला सा दिखता है और मजा आता है देखने में। तो आसपास में जैसे बुलबुला होगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। तो एक टाइम के बाद ये बुलबुला होता है, मतलब जब आपको स्प्रेड करना करता है ये कलर, तब ये बुलबुला होता है। तो तुरंत नहीं होगा, थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड बाद आप ये ड्रामा करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, तब ये होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करता हूं जब तक यहां तक आप लोग पहुंच जाते हो। सब वीडियो ऑफ है, मैं कैसे देखूंगा, बस ओनली सताक्षी का देख रहा है। ओशानी, तुम्हारा मुंह देख के मेरे को कोई फायदा है? हाँ, तुम्हारा वो पेंटिंग कैसे दिखा, वो वैसे सेट करना है मोबाइल। हम आया मैम, दिखा रहे हो, दिखाओ दिखाओ। ओके, हाँ गुड, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। नीचे का जो बंसियाना है, नीचे का दिखाइए जरा, नीचे वाला पार्ट। हाँ, वो मर्ज करके बिल्कुल कलर को नीचे पेपर को टच कर दीजिए, नीचे वाला हिस्सा। हाँ अनुरुद्ध, हो रहा है? सताक्षी, उसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दो, जो भी ग्रे टोन बन रहा है उसमें ग्रीन ऐड कर दो। हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा अनुरुद्ध, गुड, अच्छा बना है। इसको अभी एकदम ड्राई होने दो। एकदम ड्राई क्यों होने देना है, क्योंकि क्या होगा कि ये यहाँ पे जो भी कलर करूंगा वो उस पर नहीं जाएगा, या उसका कलर इस पर नहीं आएगा। तो अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए। आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप करने के बाद तुरंत ड्राई कर सकते हैं। समय की बचत के लिए हम ड्राई कर रहे हैं, अदरवाइज आप घर में जब काम कर रहे हो उसको ऐसे नेचुरल टाइम से आप ड्राई कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ये जो ऐसे मैंने एकदम संभाल के किया, तुम्हारा संभाल क्यों नहीं रहा? ये उसमें आसपास क्यों ऐसे 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 चल रहा है, नहीं समझा? पेपर भी ज्यादा हिलाना नहीं है, पेपर को स्टील रखना है ना, बहुत ज्यादा सब कुछ हिलाने से नहीं होगा। सताक्षी, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, राइट? वो थोड़ा वाटर ज्यादा करो, बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है।
देखो मेरा एक सॉफ्ट हो रहा है ना, बहुत डार्क नहीं यूज कर रहा हूं। ओके करते रहो, साथ साथ में देखते रहो, देख देख के करते रहो, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, ए अल्टामेरिन, अल्टामेरिन में थोड़ा सा ऑरेंज, एकदम मामूली सा ऑरेंज, ब्लू ब्लू टाइप का थोड़ा सा ग्रे टोन हो रहा है, और थोड़ा बंसियाना। तो क्या क्या मिला है अल्टामेरिन में, थोड़ा बंसियाना और ऑरेंज। ये किसके लिए, ये जो जिसके जो टेल है, पूंछ है, उसके लिए। कलर बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल ही। और देखो ये कलर इस तरह से आके इस एरिया में लगाना है। सर आप रिपीट कर सकते हो कि आपने बर्ड में करने के लिए कौन से कलर्स करे? बस ब्लू में अल्टामेरिन है, अल्टामेरिन ब्लू है। यस सर। हाँ तो अल्टामेरिन ब्लू है, ब्लू के साथ थोड़ा सा बंसियाना, थोड़ा ऑरेंज, बंसियाना और ऑरेंज अल्टामेरिन ब्लू के साथ। हाँ और नीचे है, नीचे की ओर बंसियाना ज्यादा थोड़ा। सर मेरा बैकग्राउंड ठीक है क्या? अभी आप करो, मैं देखता हूँ। सर बर्ड के लिए आपने अल्ट्रामरीन ऑरेंज और बर्ड सियाना लिया ना? हाँ गुड। अभी यहाँ पे थोड़ा अल्टामेरिन, और मुंह के पास आप देख पा रहे हैं कि व्हाइट है, तो व्हाइट हिस्सा हम छोड़ देंगे, पेपर व्हाइट छोड़ देंगे। अच्छा उसके पंख में क्या कलर है कौन बताएंगे? वो जो पंख में लाल लाल सा पंख है, कौन सा कलर है वो? उसके लिए आप कौन सा कलर यूज करेंगे? बंसियाना। बंसियाना के साथ अगर थोड़ा सा लाल लाल सा देखे सर, उस बंसियाना के साथ ऑरेंज मिलाना। हाँ बंसियाना के तो ऑरेंज मिलाना है, क्योंकि बंसियाना में बहुत सारे बंसियाना ऐसा है थोड़ा सा येलो सा है वो, तो बंसियाना में थोड़ा सा ऑरेंज मिलाने से थोड़ा रेड रेड सा दिखेगा। इस तरह से हमको कलर को पकड़ना है, और कुछ एक एक जगह में ऐसा देखो व्हाइट सा बना हुआ है, तो मैं वहां पे थोड़ा सा
व्हाइट छोड़ देता हूँ। ये कलर जहां जहां है हमने प्लानिंग जहां जहां किया था वहां वहां लगा देते। और जूम करूं क्या? ठीक दिख रहा है अभी? इसके साथ डायरेक्ट अल्ट्रामरीन डाल दूं क्या बर्ड में, क्योंकि वो एकदम ब्राउन टाइप का कलर हो जा रहा है। हाँ डाल दो, आपको बस कलर को देखते हुए मैचिंग करना है। आपको ऐसा ऑन द स्पॉट जो महसूस हो रहा है कलर उसको मिलाना है बस। सर एक्चुअली ये थोड़ा पर्पल टाइप का है जो आपको बस इसके साथ मैचिंग करना है। तो पर्पल है तो थोड़ा ऑरेंज मिलाओ, अगर आपको लगता है ऑरेंज मिलाने से वो कलर सही आएगा तो ऑरेंज मिलाओ, आपको लगता है पेन स्क्रे लगाने से ठीक आएगा तो वही कलर लगाओ। यहाँ पे आप खुद ही देखो कि कौन कौन सा कलर मिलाने से वो निकल के आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद भी आपके पास अगर वो कलर नहीं है तो आप खुद भी मिला सकते हैं। यहाँ पे पेन स्क्रे लगा सकते हैं, जिनके पास पेन स्क्रे नहीं है ब्लू को ज्यादा लेना है, ज्यादा ब्लू के साथ भी आप ये कलर लगा सकते हैं, ब्लू के साथ थोड़ा सा रेड। देखो ऐसे एक्सीडेंट होने से कैसे बच सकते हैं आप, आपके हाथ में टिश्यू होने से आप बच सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट तो होता है ना। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। ओके सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है? आंखें, है ना, आंखों को अच्छी तरह बनाना है। तो हमने क्या किया इसी ऑरेंज और रेड के साथ थोड़ा सा डार्क कलर के लिए ब्लू को या पेन स्प्रे को ऐड कर दिया। पहले भी हल्का करके ऑरेंज लगाया था, बंसियाना लगाया था, फिर से एक बार बंसियाना ऑरेंज लगाएंगे। इस बार क्या करेंगे, थोड़ा नीचे नीचे हिस्से में लगाएंगे। ये लगाने से क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर हम डार्क कलर ऐड ऑन करेंगे। जैसे यहां पे कर रहे थे तो आपके पास पेन स्प्रे है तो ठीक है, नहीं तो ब्लू के साथ आप ऑरेंज कलर ले लीजिए। कुछ पंख यहाँ पे डालना है हमको और क्या करना है कि ये बंच ऑरेंज के साथ थोड़ा सा डार्क करते हुए नीचे की ओर, ब्लू और ऑरेंज के साथ डार्क करते हुए ऐसे नीचे की ओर डार्क देना है।
सर आपने ये बीक में कौन सा कलर डाला? इसमें नहीं नहीं बीक में, बीक में कहाँ? बीक बीक पेट में, यहाँ पे अल्टामिन और बीक उसके लिप्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सर चोंच पे। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, चोंच पे, चोंच पे आप क्या करो कि आपका ब्लू है, ब्लू सर, ब्लू और रेड मिलाओ, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का ग्रे बनेगा ना। ओके सर। वो लगा दो अभी यहाँ के लिए, वो जैसे ग्रे टोन बनाया था ना ब्लू के साथ, यहाँ पे और ज्यादा थोड़ा सा शेडिंग चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि शेडो है ना नीचे वाला पार्ट में, तो शेडो की वजह से बंसियाना के साथ अल्टामिन के साथ हमने फिर से एक बार मिक्स कर दिया। इसके जो दो पाँव हैं, जो दो लेग्स हैं, एक लेग्स के ऊपर क्या हो रहा है, एक लेग के ऊपर लाइट आ रहा है और एक के ऊपर लाइट नहीं आ रहा है, तो भी हम बनाएंगे कैसे वो देखना है कि यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर लगा देते और आधा डार्क, बाद में इनको शेडिंग करेंगे जरा। अभी जो जहां पे है वहां पे भी शेडिंग करना पड़ेगा, जहां पे वो खड़ा है वो वुडन के ऊपर भी शेडिंग करना है।
कैसा लगा? बहुत सुंदर बना सर। आपका भी सुंदर होगा, मतलब एक नहीं दो चार बार करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे आप दो चार बार करेंगे आपका भी अच्छा होगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम आपको समझ में आएगा, सेकंड टाइम आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा कि कैसे करना है। अभी हम देखेंगे आप सभी का काम। सर अभी तो बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ करो ना, अभी तो है मेरे पास टाइम, बट तसल्ली से करो जैसे जैसे मैंने दिखाया। माया मैम ठीक लगा? हाँ सर बहुत अच्छा लगा। ओके बहुत सिंपल में हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। कुछ हड़बड़ी नहीं, कुछ स्मार्टली, मतलब ज्यादा जल्दी नहीं, आपको एकदम तसल्ली से और सर नीचे आपने जो वो बनाया है जिसके ऊपर वो खड़ा है उसमें कौन सा कलर यूज किया है सर, बाद में आपने जो लगाया? हाँ नीचे जो है बंसियाना के साथ पेंस ग्रे या अल्टरमेरिन वही कलर है। हाय मैम, यहाँ पे जैसे बंसिया ना पहले लगाया था उसके साथ यस सर, हाँ अल्टरमेरिन डालने से ज्यादा ग्रीन दिखेगा, अगर पेन स्प्रे है तो ठीक है, मतलब ये जो कलर है वही शेडो के लिए। साई कहाँ तक हुआ? सर बस हो गया, थोड़ा पड़ा है। ओके विशानी सर मेरा एक बार देख लीजिए। हाँ हमारा कैमन हो एक सेकंड सब देखूंगा एक एक करके। मैम कहाँ भेजे? मैम व्हाट्सएप किए क्या? सही देखो ऐसे नहीं, सीधा करके दिखाना अच्छी तरह, किधर भी दिखाओ यही देखो तो ठीक से दिखाओ सीधा करके। अनुरुद्ध कहाँ गया? सोजा कर दिलाम सर। ये जो पंख के बीच में व्हाइट है वो कहाँ गया? मेरे को उंगली रख के दिखाओ पंख के बीच में व्हाइट कहाँ गया? यही तो कहा फिंगर रखो फिंगर
कहाँ व्हाइट कहाँ है वो, उतना छोटे छोटे डॉट थोड़ी है, एक तो पंख है वो। क्यों हुआ मालूम? क्योंकि तुम मुझसे पहले काम कर रहे थे, मतलब मैं जो दिखा रहा हूं उससे पहले चल रहे थे, ऐसे ही था ना? तो पहले करने से ऐसे ही होगा, पहले देखना है कि कैसे कर रहा हूं। बाकी सभी का रखा है कुड होने से तो अच्छा है। यहाँ पे पूरा ब्लॉक नहीं करना, वो शैडो का असर खत्म हो गया, ठीक है? ये जो पाओ का भी कुछ शैडो है पूरा ब्लॉक कर दे तुमने, बाकी अच्छा हुआ। यहाँ पे थोड़ा डार्क दो पीछे का हिस्से। सर वो नीचे वाला शैडो था, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि वो कलर है। जैसे दिखा रहा हूँ वैसे तो कर सकता ना, ठीक है सर। चलो तो शोर हो गया। हाँ दिखाओ। हाँ गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये जो इसका जो चोंच के नीचे वाला जो लिप्स है उसमें तो डार्क आएगा। ओके हाँ ठीक है अनुरुद्ध, गुड। हाँ सर अब ठीक है, अब ठीक है। आंखों को अच्छी तरह देखो, मैंने कैसे किया काम, पूरा ब्लॉक करके डार्क नहीं, पूरा लाइट करके चारों तरफ से एक डार्क है। हाँ मैम दिखाइए, और साई थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा स्किल डार्क करो, ये वाला जो कलर लगाया okay. अल्टरनेट उनको और थोड़ा डाल दो, साई को बोल रहा हूँ और थोड़ा डार्क करो। ओके माया मैम आपके पंख पंख का कलर शायद नीचे आ गया ना, थोड़ा ऊपर कीजिए पेपर। ओके पंख ओके पंख ठीक है। पंख में हमने क्या किया कि ऊपर लाइट कलर नीचे डार्क कलर किया, वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है? कैसे किया ऊपर okay. थोड़ा सा जैसे लाइट कलर पहले लगाया था तो इस हिस्से में थोड़ा लाइट छोड़ा है और धीरे धीरे नीचे डार्क किया, तो वो भी जो पंख ऐसे दिख रहा है इसलिए ओके okay. और कुछ कुछ जो हो पंख वो ब्लैक है ऊपर, वो उसकी कलर के वजह से वो डाला। अभी व्हाइट में भी वो इधर कुछ लाइट टू धीरे धीरे डार्क कर दिया, वो भी करना है व्हाइट को भी बीच वाला, ठीक है? okay. और यहाँ पे एक कनेक्शन जोड़ दीजिए ब्राउन का, ऐसा कट सा लग रहा है गर्दन, तो वो लाइन इधर जोड़ दीजिए और बाकी ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड रुको रुको, फिंगर जो ऐसे ऊपर उठ रहा है ना, ऐसे उठना नहीं चाहिए था। हाँ, उठा हुआ है वो, उसकी जरूरत नहीं है, सोया हुआ ही ठीक है। और यहाँ पे शेडो, यहाँ पे शेडो, ये स्टेज अप एंड डाउन हो रही है, तो ये एक स्टेज में होना चाहिए। तो शेडो जैसे ऊपर कर दिया थोड़ा, वो एक लाइन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन में होना चाहिए था ये पाँव, ठीक है? अच्छा कोशिश है, गुड। हाँ कौन सर नीचे वाला ठीक है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ कौन सा, क्या बोल रहे हो? हाँ दिखाओ। हाँ ये ठीक है, नीचे। हाँ ठीक है ठीक है। और वो मेरा ठीक है, वो डार्क साई, वो डार्क, और ये यहाँ पे इसके बीच में इसको मिला दो, ब्लू कलर लो हल्का सा नीचे से, ये वाला थोड़ा सा मिला दो, मतलब ये डार्क धीरे धीरे डार्क इसके साथ हल्का सा मिला दो, इस एरिया में तो लाइट हो रहा। शतक सी सीधा करो, सीधा करो मेरे तरफ। ओके शतक सी, क्या एक व्हाट्सएप कर सकते? यस सर। करो साई, गुड। इसमें थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्टोक yes, जिससे और दिखे, वो भी
आपके अल्टरमेंट के साथ बंस किया ना। भेजा है, फोटो भेजा है, जो भी चाहते हैं ड्राइंग को करेक्शन करना है वो अपना फोटो भेज दो, इसका फोटो व्हाट्सएप में भेज दो। मैंने सेंड कर दिया। हाँ तो देखो यहाँ पे अभी आपके रिव्यू हो जाएगा। तो अनुरुद्ध ये जो मैं कलर यहाँ पे लाइन बनाने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे ही लगाने के लिए बोला, ठीक है? तो वो आउटलाइन नहीं चाहिए ये वाला, ठीक है? और ऐसे 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 नहीं, ये ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स डालना है। अच्छा ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ये जो है एक राउंड ही है। सर वो बाहर का बैकग्राउंड का कलर उधर घुस गया था इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो बैकग्राउंड का कलर अंदर की ओर घुस गया था सिर में। और ये जो पंख का लाइट है इधर, लाइट क्यों नहीं रखा ये वाला? लाइट टू डार्क जाएगा। अब बहुत ज्यादा ये व्हाइट क्यों रखा है सर? आप ठीक है? एक सेकंड रुको, मैं देख रहा हूँ किसी का। ठीक है थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो इनको, हर एक कलर को देखो, हर एक शेडिंग को देखो। अनुरोध ये हर बार आने क्यों नहीं, वजह से हो रहा है ये। यहाँ पे और ड्रॉइंग और क्लियर ड्रॉइंग करो इसको। यहाँ पे थोड़ा सा एक गोल दो जिसके बाद ये निकल के आएगा, ये गोल दो थोड़ा फिर वो निकल के आएगा। यहाँ पे फोटो भेज दो, जो भी दिखाना चाह रहे हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर मेरे मम्मा का फोन मेरे पास नहीं जिसमें आपका नंबर है। आपके पास कोई फोन है कि आप डिवाइस से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मेरे पास फोन है पर मम्मा का नहीं है जिसके जिसमें आपका ग्रुप का नंबर है। तभी आपको आप वाला नंबर मुझे दे देना, ठीक है? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो ओके सर, तो यहाँ पे ये लगना चाहिए ये इस तरह से कंटिन्यू। तो यहाँ पे ब्राउन कलर से चाहे आप जॉइंट डाल दीजिए। मैं हाँ, ठीक है सर, कट सा लग रहा है। हाँ, आपने पहले भी बोला था। हाँ और जैसे ये है ना, हाँ, ये एक ही कलर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो उसमें जैसे यहाँ पे लाइट व्हाइट है, हल्का ब्लू डार्क ब्लू, ऐसे करके जैसे ये कलर हम डायमेंशन यहाँ पे भी देना है तो वो भी फिर ऐसे घुमा हुआ दिखेगा। ये जो ज्यादा डार्क हो गया है, हल्का होना चाहिए था ये कलर, इतना ही कलर होना चाहिए था। ठीक है मैम? ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू। ओके शताक्षी, शताक्षी इधर देखो, इधर दिख रहा है आपको पेपर दिख रहा है मैं जो दिखा रहा हूँ? शताक्षी दिख रहा है ना आप यहाँ पे? अच्छा काम किया मैं दिख रहा हूँ। ये ऐसा है शतक सी, किधर देख रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हो आप? ओके तो ऐसा है ये, ठीक है? तो ये कैसा जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है? और फिर ये जैसे ऐसे हुआ फिर इसमें पेटल्स आ जाएगा। ओके सर, कलरिंग? हाँ कलरिंग का ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आएगा, यहाँ पे वो शेडिंग आएगा। और यहाँ पे इसके साथ मिक्स क्यों हो रहा है? वो सूखने नहीं दिया आपने, तो एक ये कलर को और एक बार मिलाओ तो डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे वो कलर लगा दो, और इसके नीचे भी यहाँ पे भी डार्क आएगा ना थोड़ा, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा है ना थोड़ा यहाँ पे, तो वो डार्क कलर करने से, ये वाला डार्क कलर करने से ये इधर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गुड गुड गुड, अच्छा है, वेरी नाइस। ओशनी भेजना तो भेजो, फोटो भेजो। माय मैम ब्रेक कर सकते हैं।
थैंक यू सर. ओके. चलो जिनका हो गया वो टाटा कर सकते हैं. सर मैंने इधर जो वो शैडो के लिए और थोड़ा सा डार्क दे दिया. हाँ ये 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 चाहिए था. ठीक है. ओके ये है सर. ओके सर. और एक एक डार्क कलर यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डार्क करके यहाँ पे कुछ शेडिंग दो वो उठ के आए थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है ये वाला. कुछ भी डार्क कैसा भी डार्क नहीं ये वाला ही डार्क थोड़ा सा करना है वहां पे उस एरिया में जो डार्क है. सर वो वाला ही दे दो. ए ए शतक सी वो कोई मैं डार्क कलर से ऐसे नहीं किया रे उसको सुधर रहे हो नहीं होगा ऐसे वाटर जरूरत नहीं है ऐसे करके. सर अब बता दीजिए. ठीक है अभी अभी दिख रहे हो. ए वैशनी तुम किधर है देखो भाग गई. सर लीव कर तू. हाँ चलो. ओके सर बाय. अब ठीक है बट ठीक रिपेयर होता नहीं है तो नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम आप करेंगे. ठीक है. ओके और एक बार आप अच्छी तरह ड्रॉ करके कलर करना है. ठीक है मैं भेजता हूँ वीडियो.